अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने अपने ज़िंदगियों में खैर वाफियत से होंगे। वेल, माय नेम इज़ हीरा अहमद भट्ट एंड यू आर लिसनिंग मी फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ लर्नर्स अकेडमी बाय पी अप्रोच। मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी हिस्ट्री एंड सिस्टम ऑफ साइकोलॉजी, कोर्स कोड 502, लेसन 26, हिस्टोरिको एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी। आज हम जिस साइकोलॉजिस्ट को पढ़ेंगे उनका नाम है लेक्सी लेवेंटिव। उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल ब्रीफली इंफॉर्मेशन मैं देती हूँ आपको। 1904 में उनकी बर्थ हुई थी और उनकी जो डेथ हुई थी वह 1979 में हुई थी। उन्होंने ज़्यादातर जो काम किया था वो वेगोट्स्की के साथ ही किया था। 1924 से लेके 1930 के टाइम तक उन्होंने जो काम किया था वो वेगोट्स्की के साथ किया था। और उनका जो काम था वो न्यू डेवलपमेंट स्कूल की थी, स्कूल ऑफ थॉट्स की थी या स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की थी, जिसका जो रिस्पांस था बिहेवियरिज्म के ऊपर, जिसका बिहेवियरिज्म में जिस चीज़ के ऊपर फोकस किया गया था, स्टिमुलस रिस्पांस ऑफ मैकेनिज्म के ऊपर फोकस किया गया था। फर्दर लेक्सी ने और वेगोट्स्की ने इसके ऊपर काम किया था और एक नया स्कूल डेवलप करने की कोशिश की थी जो बिहेवियरिज्म से हट के काम कर रहा था। 1931 में एलेक्स ने वेगोट्स्की के ग्रुप को छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी वो वेगोट्स्की के साथ काम करता रहा था। वो एक दूसरे से साइंटिफिक मैटर्स के ऊपर कम्युनिकेशंस उनकी स्टार्ट रही थी, वो एक दूसरे के ऊपर उसके ऊपर अपने तबादला ख्याल करते रहते थे। एलेक्सी मॉस्को में रिटर्न हुआ था 1950 में एज अ हेड ऑफ द साइकोलॉजी डिपार्टमेंट एट द फैकल्टी ऑफ फिलोसफी ऑफ मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी। 1966 में एलेक्स को एज अ डीन, फर्स्ट एवर डीन था वो, एक न्यूली इस्टेब्लिश फैकल्टी ऑफ साइकोलॉजी एट द मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पे उसने अपना काम स्टार्ट किया था। उसी काम के दौरान उसकी 1979 में उसकी डेथ हो गई थी, और उसकी डेथ हुई थी हार्ट अटैक के थ्रू। वेल, अब हम पढ़ेंगे कि एलेक्सी का क्या कंट्रीब्यूशन था एज अ सॉवरेन साइकोलॉजिस्ट। लेक्सी ने भी बहुत ज़्यादा इसी चीज़ पे फोकस किया था कि कैसे कॉन्शियसनेस इंसान में डेवलप होती है और वो उसको लेके किस तरह से अपनी ज़िंदगी के रोल प्ले करते हैं। लेक्सी ने इसी पॉइंट्स ऑफ व्यू को आगे फॉरवर्ड किया था। उसका मानना ये था कि जो कॉन्शियसनेस है वो एक प्रोडक्ट है किसी भी सेंसिटिविटी टू सिंबॉलिक स्टिमुलस का। जब भी हमारी बॉडी को स्टिमुलस को परसीव करती है तो इन्वायरमेंट से, तो वो उसको रिएक्ट करती है। एलेक्सी ने कहा कि इन स्टिमुलस को फर्दर टू कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं, ऑर्डिनरी स्टिमुलस में और सिंबॉलिक स्टिमुलस में। अब ऑर्डिनरी स्टिमुलस कौन से होते हैं कि हम किसी चीज़ को टच करते हैं तो हमें पता चलता है कि अच्छा वो तो गर्म थी या ठंडी थी। अगर हम किसी चीज़ की तरफ देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उस चीज़ की शेप किस तरह से थी या वो किस तरह से काम कर रही थी। फर्दर उसने जो सेकंड कैटेगरी पर बताई थी वो थी सिंबॉलिक स्टिमुलस की। अब इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी चीज़ हम इसको एसोसिएट कर लें किसी भी चीज़ के साथ, फॉर एग्जांपल अगर हमें पता हो कि हमारा कोई लव वंस हॉस्पिटलाइज है और डॉक्टर्स ने उसको बिल्कुल जवाब दे दिया है, ठीक है, तो जब भी हमारे फ़ोन की घंटी बजेगी तो हमें एक दिल से डर होगा, हमारे दिल और दिमाग में डर होगा कि क्या पता ये हॉस्पिटल से ही फ़ोन हो। तो इस चीज़ को उसने सिंबॉलिक स्टिमुलाई के तौर पे इस चीज़ से एसोसिएट किया था। ये बिल्कुल वैसा ही था जो पावलो ने हमें एक लर्निंग बाय कंडीशनिंग का एक कॉन्सेप्ट दिया था। एलेक्सी ने इसको डेवलपमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस का नाम दे दिया था। उसका मानना यही था कि ये सिंबॉलिक स्टिमुलाई जो होते हैं वो कंडीशनिंग के थ्रू हमारी ज़िंदगी में आते हैं। जिस तरह से पावलो ने एक्सपेरिमेंट किया था डॉग्स के ऊपर कि जब बेल होती थी तो उनको फूड आता था, उनकी फिर बेल के ऊपर ही उनकी स्लावा प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता था, इसी तरह से उसने कहा, एलेक्सी ने कहा कि जो हमारे सिंबॉलिक स्टिमुलस होते हैं वो भी नतीजा होते हैं किसी ना किसी कंडीशनिंग का। फर्दर एलेक्सी का कहना ये था कि जो इंसान के डेवलपमेंट की स्टेजेस होती हैं वो लर्न करता है कंडीशनिंग के अकॉर्डिंगली। उसने कंडीशनिंग की होती है सेट ऑफ पैटर्न्स के साथ और वो उन्हीं ऑर्डर्स ऑफ लर्निंग के साथ ही अपने डेवलपमेंट को स्टार्ट करता है। उसने कहा कि इंसान पहले लोअर ऑर्डर की चीज़ों को सीखता है और उसकी फंक्शंस के ऊपर वो ध्यान देता है, उसके बाद वो लेटर एंड हायर फंक्शंस के ऊपर काम करता है। ये बिल्कुल मेस्लो की थ्योरी की तरह चीज़ है। फर्दर उसने इसको एक्सप्लेन किया कि जो डेवलपमेंट ऑफ मेंस कॉन्शियसनेस है वो फर्स्ट
जो उसका स्टेप होता है वो लो ऑर्डर थिंग्स के ऊपर होता है, बेसिक फंक्शंस ऑफ बॉडी के ऊपर होता है कि हमने खाना कैसे है, हमने पीना कैसे, हमने उठना कैसे, हमने बैठना कैसे है, जो बेसिक नीड्स होती हैं उनके ऊपर उसका फंक्शन, वो उसके अकॉर्डिंगली हमारी अपनी कॉन्शियसनेस डिवेल्प होती है। उसके बाद हम हायर ऑर्डर फंक्शंस की तरफ मूव ऑन कर जाते हैं जो हमें जानवरों से अलग करती हैं इंसानों को। और ये हायर ऑर्डर फंक्शंस कौन से हैं? हमारी थिंकिंग प्रोसीजर है, हमारा अंडरस्टैंडिंग है, हमारी एबिलिटी है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो हमें किसी भी जानवर से अलग करती है ह्यूमन बींग्स को। इन चीज़ों के ऊपर एलेक्से ने फर्दर बात की। एलेक्से का कहना ये था कि कोई ये सारी जितनी भी चीज़ें या हमें हेरिट लिख के पैदा नहीं होते कि अपने मेंटल फंक्शंस में, ये सारी चीज़ें हमें कंडीशनिंग करनी पड़ती है इनको किसी भी चीज़ के साथ, उसके बाद जाके ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं, उसके बाद हमारी ग्रोथ होती है, उसके बाद हमारी डिवेलपमेंट स्टार्ट होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो सोवियत साइकोलॉजिस्ट थे, प्रोमिनेंट थे, के एम बेकिफ। बेकिफ 1886 में वो पैदा हुए थे, 1959 में उनकी डेथ हो गई थी। उनका भी वही कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने भी इन्हीं चीज़ों पर वर्क किया, क्या कि कॉन्शियसनेस किस तरह से डेवलप होती है और किस तरह से वो वेरियस माइलस्टोन्स को लेकर डेवलपमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस को वो करती है, हमारे स्टेप्स बाय स्टेप हमारी डेवलपमेंट कर रही होती है। बेकिफ ने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया था कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ मैन में हम पहले सेंसरी सिग्नल्स के ऊपर काम करते हैं, उसके बाद उसको वर्बल सिस्टम की तरफ चेंज कर देते हैं। कोई भी इंसान है वो पहले सेंसेशंस के ऊपर काम करता है, उसके बाद वो उसके साथ कंडीशनिंग कर लेता है, उसके बाद वो उसका रिस्पॉन्स वर्ड्स की सूरत में करता है। अगर हम दूसरी तरह से बात करें तो जो इनिशियल स्टेज है डेवलपमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस की, उसमें इंसान पहले चीज़ों को एक्नॉलेज करता है एज अ सेंसरी स्टिमुलस। जब वो सेंसरी स्टिमुलस को रिकोगनाइज कर लेता है, उसको एक्नॉलेज कर लेता है, उसके बाद ये स्टिमुलस उसका कॉज बनते हैं किसी भी रिएक्शन का। जिस तरह से एलेक्से ने कहा था कि ये स्टेज ऐसी होती है जिसमें लोअर ऑर्डर फंक्शंस पहले डेवलप होते हैं। कोई भी इंसान रिस्पॉन्स स्टार्ट करता है टेम्परेचर वगैरह के, उसको कोई गर्म लग रहा है, कोई ठंडा लग रहा है, कोई चीज़ देख रहा है, उसके अकॉर्डिंगली वो उस चीज़ को रिएक्ट कर रहा होता है। उसके बाद उसके फर्दर कॉन्शियसनेस उसकी डिवेल्प होती है, और जब उसकी फर्दर कॉन्शियसनेस डिवेल्प हो जाती है तो वो अंडरस्टैंड कर लेता है चीज़ों को और वो इंटरप्रेटिंग स्टार्ट कर देता है चीज़ों की। अकॉर्डिंग टू एलेक्से ये वाली स्टेज होती है हायर ऑर्डर फंक्शंस के डिवेलपमेंट की। इसी चीज़ को बेकिफ ने पॉइंट आउट किया था कि जो डेवलपमेंट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशंस होती है वो मेंस की एबिलिटी के अकॉर्डिंगली होती है, जो उसने वर्बल स्टिमुलस को एज अ माइलस्टोन उसने डेवलप किया होता है कॉन्शियसनेस में। बेकिफ ने फर्दर ये कहा कि हम किसी भी रिस्पांस को वर्बली कंडीशनल कर लेते हैं, वर्बली कंडीशनाइज करते हैं किसी भी रिस्पांस को, कि अगर हम कोई बैड न्यूज़ सुनते हैं तो हम उसका रिस्पांस उसी के अकॉर्डिंगली करते हैं। अब हर इंसान में इतनी टेंडेंसी होती है कि वो किसी भी न्यूज़ का वो अपने किसी भी न्यूज़ के ऊपर वो अपना रिस्पांस दे सकता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। इस चीज़ को उन्होंने कहा कि ह्यूमंस आर कंडीशनिंग टू द वर्बल स्टिमुलस। बेकिफ का जो कंट्रीब्यूशन था कि किस तरह से सेंसरी कंडीशनिंग डेवलप होती है इनटू वर्बल कंडीशनिंग, वो मेजर कंट्रीब्यूशन था ओवरऑल हमारे सॉवेंट एरिया में। और यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।